एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड रोज यू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। और स्वागत करती हूँ और एक न्यू ब्लॉग में। तो आज है गणेश चतुर्थी, सबको पता है आज गणेश पूजा होने के बाद त्यौहार स्टार्ट होगा। कुछ ना कुछ आता रहेगा एसएमईज का और सब लोगों का कुछ ना कुछ आता रहेगा। फिर दुर्गा पूजा आएगा, दिवाली आएगा, एवरीथिंग आता रहेगा। तो इसी वजह से आज का अगर व्लॉग नहीं करेंगे तो बाकी डेज का व्लॉग बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शुभारंभ यहीं से होता है। इसलिए मैं आ गई हूँ आज का व्लॉग बनाने। और आज गणेश चतुर्थी है तो मैं कहीं पे तो जाऊँगी, कहीं पे मतलब कहाँ जाऊँगी कि मेरे घर के पास मतलब नर्सरी में एक मंदिर है, गणेश मंदिर, तो वहाँ जाएँगे। मैं एकदम छोटी थी, एक बार छोटी मतलब फ़ोटो लगा लूँगी कब का, तब मैं एक बार गई थी स्काउट के तरफ से सर्विस करने वहाँ पे। तो वहाँ पे सर्विस देख के मुझे इतना पसंद आया, मतलब इतना अच्छा लगा कि उसके बाद हर गणेश पूजा में मुझे वहाँ जाने का मन करता है। तो ऐसे ही मैं जाती ही हूँ, लास्ट ईयर भी गई थी, आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर किया था, और इसलिए इस बार भी जाने वाली हूँ। लेकिन इस बार हमेशा मैं अपनी मम्मी के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि और कोई नहीं है, तो मम्मी के साथ ही जाती हूँ। और मैं फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा नहीं निकलती, आप लोगों को तो पता है, तो मम्मी के साथ ही जाती हूँ। लेकिन घर पे फिर से काम हो रहा है कुछ, तो इसलिए मम्मी नहीं जा सकेगी। मतलब मुझे भी जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मन है, इसलिए मम्मी ने बोला कि कुछ किसी और के साथ चली जाओ, तो मैं घर के पास की आंटी के साथ चली जाऊँगी सोचा है। तो वही रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है और मतलब इस रूम में फ़ैन भी नहीं है, फ़ैन वैन कुछ नहीं लगाया, कुछ सब खोल के रखा हुआ है। और बाकी रूम में जगह भी नहीं है मुझे अभी व्लॉग करने को। जल्दी से रेडी होते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो चलिए, मेरा आज का आउटफिट जो मैं पहन के जाने वाली हूँ। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप कितनी जल्दी मेकअप कर सकते हैं। तो मेकअप क्या कुछ सामान वामान हमारे पास नहीं है, और ना ही हम बहुत ज़्यादा मेकअप करने में इंटरेस्टेड है। और मैं ऐसे चुप चुप के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा है, इसलिए आवाज़ आ रहा है कि नहीं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यस यस, आ रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और हम लोग एकदम अच्छे प्राणी हैं कि एक ही चीज़ लगाते हैं, वो है लैक्मे सनस्क्रीन। अगर सनस्क्रीन लगाते हैं तो क्रीम नहीं लगाते, और क्रीम लगाते हैं तो सनस्क्रीन नहीं लगाते। ये अच्छी ना मैं बचत। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि क्रीम और सनस्क्रीन में से कौन सा चीज़ पहले लगाना होता है, इसलिए अरे आ जाओ यार आ गया, इसलिए मैं कोई से भी एक लगा लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा धूप में जाती हूँ तो सनस्क्रीन यूज़ कर लेती हूँ, और जब बहुत धूप में नहीं जाती हूँ, मतलब ऐसे ही किसी के घर जा रही हूँ, तब मैं कोई सा भी क्रीम लगा लेती हूँ। हैंड्स को क्रीम हैंड्स पे लगा लेते हैं, नहीं तो काला काला हो जाएगा। और ये हैंड नहीं सूखता यार। तो हमने अपना सनस्क्रीन लगा लिया है, डन है। अभी सीधे जाते हैं हम लोग मेकअप की तरफ। क्या मेकअप करते हैं, कुछ नहीं, आईलाइनर लगाते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो मेरा ये वाला प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि मुझे कभी आदत ही नहीं है फ़ोन पे देख के आईलाइनर लगाना वगैरह, और ये छोटे वाला ग्लास में देख के भी लगाने का मुझे आदत नहीं है। मैं एकदम जाके गॉडरेज के मिरर में लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला मिरर पे ट्राई करके देखती हूँ, ठीक है, आप लोग बने रहिए। मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आईलाइनर लगा लिया है, अभी मस्कारा लगा लेते हैं। मेरे पास ये कोलोशल वाला है, कोलोशल। हाँ
रुको, मिस्ट्री लोग बुलाते रहते हैं तो मैं अपनी लाइनर लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे साथी आ चुके हैं। जिंदगी में बख्ती नहीं है, ये सब आप लोगों के बाद में दिखाती हूँ। अभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ये लिपस्टिक कर रही है, हो गया तो जल्दी से लगा लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट वाला फेवरेट लिपस्टिक है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, कुछ नहीं पता। और मैं थोड़ा सा अपना आईब्रो फिल कर लेती हूँ। और गाइस जल्दी जल्दी मैं ये चाय ले लिया है और चाय पी लेती हूँ और हम लोग चलते हैं। फ़ोन पकड़ने का टाइम भी नहीं है, यहाँ पे फ़ोन रख के मैं चली गई थी कब का, तो अभी चाय पी लेती हूँ। सिर्फ चाय पी रही हूँ क्योंकि मंदिर जा रही हूँ, उसके बाद ही ये मेरा देखे आईलाइनर का हालत, इसको अभी साफ़ करना पड़ेगा, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। चाय पी लेती हूँ। गाइस हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, और आप लोग मेरे ड्रेस को रेटिंग कीजिएगा। आप लोगों को फुल नहीं दिखा सकी, बाद में अगर कहीं पे होगा तो मैं दिखा दूँगी या थंबनेल में लगा दूँगी मेरा फोटो। फुल ड्रेस दिखाने से अच्छा होता लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ मैं, बिजी। तो चलिए चलते हैं मंदिर। नाम ही मैं नहीं भूलती हुई, ये देखिए आगे धूप में, लेकिन हाँ हवा भी बहुत अच्छा है। और हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, ज़्यादा दूर नहीं है, यही पास में ही है। और जो लोग यहाँ के हैं उन लोगों को तो पता ही है कितना पास है मेरे घर से, और गाना भी बज रहा है। चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है, मंदिर भी दिखाएंगे। बस यार आप लोगों को दिखाया था, जिन लोगों ने व्लॉग नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे लगा दूंगी। Oh,
चुके हैं घर, मतलब मैं पहुंच चुकी हूं घर। और रास्ते में मैंने ज़्यादा बात नहीं किया क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। और देखिए मैं कितना काला हो भी चुकी हूं ऑलरेडी, तो बहुत ही गर्मी है। अभी ड्रेस वेस चेंज कर लेती हूं और मम्मी को थोड़ा हेल्प करती हूं, क्योंकि मम्मी को मैं सुबह ही ऐसे छोड़ के चली गई थी, तो मम्मी अकेले सब कुछ कर रही है। अभी तक खाना भी नहीं बना, अभी 1 बजने वाला है, तो जल्दी से खाना वाना बनाते हैं क्योंकि मिस्ट्री को भी खाना खिलाना है, हमें भी खाना है। सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ इसलिए, तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। ये शुभारंभ था त्योहारों का, क्योंकि फेस्टिवल्स अभी से शुरू होंगे, तो आज का अगर व्लॉग नहीं बनाएंगे तो बाद में व्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि गणेश चतुर्थी का ही ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए मैंने ये छोटू सा ब्लॉग बनाया। पता नहीं छोटू हुआ या लंबा हुआ, अभी तक मुझे नहीं पता। और मेरा मन है कि इसको मैं आज ही एडिट करके डालूँ, तो एडिट एकदम सिंपल ही रखूँगी, लेकिन आज ही डालने का ही ट्राई करूँगी, देखते हैं क्या होता है। आज नहीं तो कल सुबह तक पहुँच जाएगा। और आप लोगों से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और प्यार बात ये, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोगों का सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए गणेश जी के नाम पे, और कमेंट एक छोड़िएगा कैसा लगा आपका ब्लॉग। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।
बाय, सी यू सून।